एचयू रेप पीड़िता को लेकर कांग्रेस मैदान में पुलिस हुई धक्का मुक्की। वाराणसी में कांग्रेस का हल्ला बोल प्रदर्शन पीएमओ का किया। घेराव घेराव धरना प्रदर्शन को देखते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय के सुरक्षा के लिए किए गए कड़े प्रबंध। वाराणसी के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के निर्देश पर बीते दिनों बीएचयू के आईआईटी की छात्रा के साथ हुए रेप के बाद आज वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पीएमओ के घेराव धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम निर्धारित किया गया, जिसे तहत कांग्रेस के पदाधिकारी ने पीएमओ कार्यालय के समीप गुरुधाम चौराहे पर एकत्रित होकर योगी सरकार व मोदी सरकार के खिलाफ उग्र नारेबाजी की। नारेबाजी के क्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मांग की कि जैसे योगी सरकार प्रदेश में गुंडा राज के खिलाफ बुलडोजर चलती है, वैसे ही इन तीनों बलात्कारियों के ऊपर जो कि भाजपा के संगठन के पदाधिकारी हैं, इन पर भी उनके घर पर बुलडोजर चलाएं। साथ ही कांग्रेस पदाधिकारी ने कहा कि हम लोगों ने बलात्कार के वक्त भी कहा थी इन सबों के भाजपा से रिश्ते हैं, मगर हमारी बातों को दबाते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के ऊपर मुकदमे किए गए। इन मुकदमों को वापस लिए जाने के साथ ही लगभग 60 दिनों के बाद गिरफ्तारी होने के बीच इन अपराधियों को संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं व जिला प्रशासन के पुलिस कर्मियों के बीच धक्का मुक्की दिखाई पड़ा। आज हम सब बनारस कांग्रेस के लोग अपने प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी के आह्वान पे हम चार सूत्री मांग को लेकर के सबसे पहले सरकार उस बालिका को न्याय दिलाने हेतु जो हमारे बीएचयू इकाई के छात्रों ने आंदोलन किया, बदले में उनको सरकार द्वारा मुकदमा मिला, उन बच्चों से माफी मांगते हुए उस मुकदमे की तत्काल वापसी हो। दूसरी हमारी प्रमुख मांग है कि इस घटना के 48 घंटे के अंदर 24 घंटे के अंदर हमारे सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया था, कहा था कि इस घटना के पीछे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उनके पदाधिकारी हैं, तो उनके खिलाफ उनका पुतला फूका गया और लंका थाने में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया गया है। हम सरकार से मांग करते हैं कि आदरणीय अजय राय जी की बात 100% सही हुई है तो वो सरकार उनसे माफी मांगे और उनके ऊपर से भी उस मानहानि के मुकदमे को वापस ले। तीसरी हमारी प्रमुख मांग है कि हम इस घटना में संलिप्त जो पिछले 60 दिनों के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा उनको संरक्षण प्रदान किया गया है, इस की भी जांच हो करके उससे उन तीनों से ज्यादा दोषी वो लोग हैं जिन्होंने 60 दिनों तक इस घटना के पीछे अवास्तविक आरोपियों को सामने नहीं आने दिया, उनको भी चिन्हित करके उनके ऊपर भी आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो। चौथी हमारी प्रमुख मांग है कि जैसे योगी सरकार उत्तर प्रदेश में अन्य अपराधियों अन्य संप्रदाय के अपराधियों के साथ कृत्य करती है, क्या इन तीनों भारतीय जनता पार्टी के पोषित अपराधियों के ऊपर भी उसी तरह बुलडोजर चलाने का काम सरकार करेगी, उसी तरह घर कुर्क करने का काम सरकार करेगी, उसको उसकी चेतना जगाने के लिए आज हम सब लोग प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय पे जा रहे हैं। जी, भाजपा के लोगों का यह कहना है, संगठन के लोगों का यह कहना है कि जिसको आप भाजपा ही बता रहे हैं उनसे उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्या कहना चाहिए? ये पिंड पिंड छुड़ाने की बात है। मैं दावा करता हूँ कोई एक छोटा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के साथ फोटो नहीं खिंचा सकता, उस तीनों व्यक्तियों की फोटो शायद ही भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता होगा जिसके साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ, योगी जी के साथ, स्वतंत्र देव के साथ, स्मृति ईरानी जी के साथ, जेपी नड्डा जी के साथ, और इसमें सीधे सीधे शायद ही कोई नेता ऐसा बचा होगा जिसके साथ, और बकायदे उनको ले जाके मध्य प्रदेश के चुनाव में जानते हुए कि अपराधी हैं उनकी सेवाएं पार्टी के लिए ली गई, आईटी सेक्टर का काम उनसे कराया गया। पांचवें दिन आरोपी की शिनाख्त हो गई थी, क्या लगता है कि अधिकारियों द्वारा भी छूट दी गई थी? निश्चित रूप से अधिकारियों को दबाव में लेकर के उनके हाथ पर रोके गए थे। निश्चित रूप से जो भी इस घटना को दबाने के पीछे जो लोग हैं, चाहे प्रशासन के लोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता हो, अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर बेटियों के प्रति नैतिकता है तो उन सभी दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।